बहुत ज्यादा थक गई हूँ। एक तो उपवास था और उल्टा फूल हमारा इतना प्यारा लगता है ना फूल। चैनल पूजा आर ब्लॉग और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैं बना रही हूँ रोटी। ये रोटी बन रहा है रुद्रांश के लंच बॉक्स के लिए। सब्जी मैंने फटाफट से बना लिया और रुद्रांश नाश्ता कर रहा है, बस अब 5 मिनट में स्कूल जाने वाला है, तो मैंने बोला चलो ब्लॉग जो है उसको स्टार्ट कर देते हैं। नहीं रह रहा है, गिर जा रहा है मोबाइल स्टैंड। मैंने लगाया नहीं क्योंकि अभी घाई घाई जो सुबह का रूटीन होता है ना, बहुत घाई गड़बड़ वाला होता है। ये हमारी रोटी बन गई है, रुद्रांश का लंच। यहाँ पे रोटी, भिंडी की सब्जी और रहेगा इसमें एप्पल, बस इतना ही खा के आ जाए तो बड़ी बात है। तो रुद्रांश का टिफिन फटाफट। तो अभी रुद्रांश का रिक्शा आया था तो मैं छोड़ने के लिए बाहर आई थी। और आज है नवरात्र, तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और मेरे यहाँ पे बहुत ही अच्छे लाल लाल फूल आए हैं। ये रहा फूल हमारा, इतना प्यारा लगता है ना फूल। तो बस आज दो ही फूल आए थे इस झाड़ में। सुबह सुबह का किचन होता है ना, पूरा मैशी हो जाता है। पूरा मुझे साफ करना है, तो फटाफट से इसे साफ कर लूंगी और उसके बाद जो कि है घर वर साफ करेंगे, झाड़ू पोछा वगैरह लगाएंगे और उसके बाद फिर नहाएंगे और फिर माता रानी का पूजा करेंगे। अभी अद्दू सोई है, मैं आपको दिखा रही हूँ, तब तक मैं फटाफट से सारे काम जो है निपटा लेती हूँ। अद्दू बुपरानी सो रही हैं और अद्दू जब तक सोएगी तब तक पूरा काम मुझे निपटाना है। अपना नींद मैडम डिस्टर्ब नहीं करती है। और आज है ना भाई का टी शर्ट पहन के सोई थी, रात में बोल रही थी मुझे भाई का टी शर्ट पहना दो, ये देखो देखो चुचू भाई गया स्कूल। और सोना है अद्दू को, अद्दू सोएगा और मेरा गुडिया सोएगा छोएगा वाल। आई इसमें क्या लगा बच्चों, ओ ओ, ओ ओ निकल गया। अदू एक बार हाय कर दो अदू। अदू अदू को उठाना तो नहीं था, अदू को तो सुलाना है। आया शेर आ चुका है। अदू को मैं सुलाऊंगी उसके बाद फिर बात करती हूँ। अदू सो गई थी और उसके बाद मैंने फटाफट से काम निपटा लिया और यहाँ पर पूजा भी मेरा हो चुका है। पूजा करने के बाद मैंने बोला एक छोटा सा शूट कर लेते हैं क्योंकि ब्लॉगिंग में ऐड करने के लिए जब कैमरा वगैरह चालू होता है ना तो ध्यान भटक जाता है, अच्छे से पूजा नहीं हो पाता, इसलिए कैमरा बंद करके पहले बढ़िया से पूजा कर लिया और उसके बाद वाला मतलब इस तरीके से मेरा बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत ही अच्छे से पूजा हो गया। और पूजा कर रही थी ना तो अदू देखिए क्या कर लिए, पूरा जो मेरा काजल है उसे ले करके और पूरा ये अपने सर पे लगा लिए माता रानी हमारी। बहुत मस्ती करते हैं एक्चुअली, बच्चे घर में होंगे ना तो पूजा वगैरह सब मतलब आधा ध्यान तो मेरा इसके ऊपर ही रहता है कि कुछ करना ले। फिर भी लिपस्टिक काजल और देखिए कैसी लग रही हो, देखो जरा देखो कैसी लग रही हो, हाँ कैसी लग रही हो, अच्छी लग रही हो बताओ जरा कैमरे में, अच्छी लग रही हो, क्यों भाग रही हो, दिखाओ मुंह, दिखाओ अपना मुंह दिखाओ। तो बाहर जाएंगे और बाहर थोड़ा मंदिर में पूजा करके आ जाएंगे फटाफट से और उसके बाद फिर कुछ बनाएंगे फलहारी। वैसे तो आज बहुत कुछ बनने वाला है क्योंकि कहाँ जा रही हो अदू, अदू यहाँ दिखाओ कहाँ जा रही हो, बोलो घूमने मंदिर पूजा करने, ऊपर देखो हाय करो। तो घर पे पूजा हो गया है और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर पूजा करने के लिए। पास में ही मंदिर है तो मैंने सोचा आज उपवास भी है तो चलो जाके आते हैं। तो अदू और मैं, रुद्रांश तो स्कूल गया है और अभी बज रहा है 11:45 बज रहा है। क्या कुछ अदू बोल रही है, अच्छा वो बता रही है क्या क्या लेना है, कुरकुरे लेना है, चिप्स लेना, लिस्ट बना रही है अपना मैडम। तो बस मिलते हैं थोड़ी देर के बाद और मंदिर के लिए कुछ सामान लेना है, वही हार फूल और मिठाई। बहुत मस्ती करती है वो। तो जहाँ से मैं मिठाई ले रही थी वहाँ से अद्दू ने क्या लिया है दिखाओ, उसको बोला मंदिर से आने के बाद लेंगे क्योंकि ऑलरेडी इतना झोला भर के सामान हो गया, फ्रूट्स वगैरह हो गए ना,
बाकी मैंने बाकी का जो सामान है ना वो बाद में लूँगी, अभी बस मंदिर चलते हैं और फिर पूजा होने के बाद में मिलूँगी आपसे। अदू बाय करो। अदू हाय। पूजा होगी, पूजा करते टाइम मैंने क्लिप नहीं निकाला, तो ये रहा मंदिर। और अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? घर पे। तो घर पे जाएंगे, चलो आ जाओ। तो अब मैं अपने माता रानी को, अपनी बिटिया को प्रसाद दूंगी। ये तो है हमारी छोटी गुड़िया मैया रानी है। लो दोनों हाथ, दोनों हाथ खाओ, कटो चाय। क्यों ऐसे, क्यों ऐसे? अदू को मीठा बिल्कुल नहीं पसंद है ना अदू? नहीं ना। चलो पैर दो अपना, मेरे को आशीर्वाद दोगी? तुमने तो आशीर्वाद नहीं दिया, आशीर्वाद दो। हाथ रखो मेरे सर पे, सो जाएगा। तो बस एक दो रील्स बना लो फटाफट से और फिर उसके बाद मिलती हूँ आपको। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे जरूर विजिट कीजिएगा, वहां पे मैं रील्स अपलोड करती हूँ, तो लाइक करिएगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो अभी बज रहे हैं 12:30 बज रहा है और मैं खा रही हूँ यहाँ पे, मैं खा रही हूँ रामदानी का लड्डू और या ये रहा दूध। बस अभी यही खाऊंगी और उसके बाद अद्दू बिटिया को सुलाऊंगी और उसके बाद फिर कुछ बनाएंगे हम। अब ये खा लिया ना इतना और केला खा लिया, तो डायरेक्टली अब रात को ही खाऊंगी। तो रात को फिर मतलब शाम को बनाएंगे पूजा करने के पहले, फिर मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या मैं बना रही हूँ। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और देख सकते हैं आप, मतलब मैंने लाइट नहीं चालू की पीछे वाले रूम में, मतलब आगे वाले रूम में, ये पीछे वाला रूम है, तो कितना अंधेरा नजर आ रहा है। इधर पूरा बादल बादल हो रखा है बारिश जैसा, और ये जो वायर है ये रिंग लाइट का है। मैंने नहीं स्टार्ट किया, मैंने बोला ठीक ठाक दिख रहे हैं। तो बस अब फटाफट से रेसिपी की तैयारी कर लेते हैं। और साड़ी ना मैंने खोली ही नहीं, बोला रहने देते हैं, अब शाम का पूजा कर लेंगे उसके बाद ही खोलेंगे। और अद्दू सोई है इसलिए मैंने सोचा फटाफट से हम रेसिपी शूट कर लेते हैं। तो चलिए क्या क्या बनता है देखते हैं, देखते हैं। मुझे भी नहीं पता है कि मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें तैयारी करके रखा है मैंने, मखाना और आलू वगैरह बॉईल करके रखा है। इससे क्या बनने वाला है वो मतलब सोच के रखा है कि इससे कुछ डिफरेंट रेसिपी हम बनाएंगे स्पेशली नवरात्र के लिए, व्रत के लिए। तो चलिए बना लेते हैं। और मेरे आईब्रोज है ना बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो इग्नोर, मैं तो इग्नोर कर रही हूँ, आप इग्नोर कर लीजिएगा। तो इस पे अच्छा नहीं लग रहा बहुत ज्यादा, तो ऐसा हो गया ना कि मैं सोचते रहेगी कि आज बनाऊंगी और फिर मुझे टाइम नहीं मिला और फिर मैं पार्लर नहीं गई, फिर मैंने बनाया भी नहीं। तो बाद में बात करेंगे, पहले हम काम कर लेते हैं। तो अब मैं लग चुकी हूँ मेरे काम में। तो सबसे पहले हम बनाएंगे आलू की तीखी चटपटी सब्जी। तो इसमें मैंने थोड़े थोड़े से जो क्लिप है ना वो ऐड किए हुए हैं रेसिपी के, बाकी डिटेल रेसिपी अगर आपको देखनी होगी तो आपको मेरे किचन टू किचन चैनल पे विजिट करना होगा। ये व्रत वाली रोटी बन गई, सब्जी बन गई और बहुत ही डिलीशियस हेल्दी टेस्टी खीर यहाँ पे बन रहा है मखाने का। और साथ ही में हम यहाँ पे मखाने का नमकीन भी बना रहे हैं, जो कि मतलब पूरे 9 दिन तक आप स्टोर करके खा सकते हैं। और अद्दू यहाँ पे मस्ती कर रही है, उसकी आवाज को इग्नोर कीजिए। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल हेल्दी नमकीन भी बना लिया है व्रत के लिए और ये हमारी व्रत की थाली बन गई है। तो पूरी मिला के मैंने 5 रेसिपी शूट की है और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही सादा भोजन जो कि आप व्रत में आराम से खा सकते हैं। बहुत ज्यादा थक गई हूँ, एक तो उपवास था और ऊपर से मैंने मतलब इतना ज्यादा काम भी आज निकाल लिया है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारा काम है, बहुत सारा जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि अगेन। माता रानी हम सभी के सपने को, मतलब आपके और हमारे सपने को पूरा करे और सबको खुश रखे। और क्या, और बस 9 दिन इसी तरीके से हैप्पी नवरात्रि सेलिब्रेट कीजिए। अगेन हैप्पी नवरात्रि, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ और एक नए हेयर केयर वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।